नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। झपटमारी के मामले में आरोपित निजी एम्बुलेंस मालिक अमरजीत मान की शिकायत पर गृह मंत्री अनिल विज ने थाना प्रभारी को किया था निलंबित। अब निलंबित थाना प्रभारी के पक्ष में उतरे एम्बुलेंस मालिक। सेक्टर 12 से उद्यमी का इकलौता बेटा संदिग्ध हालत में हुआ लापता। थाना चांदनीबाग पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की युवक की तलाश। चार दिन बाद भी परशुराम कॉलोनी में आग की चपेट में आने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत के मामले में अभी तक हादसे की असल वजह का नहीं लगा है पता। टोल प्लाजा के पास पुलिस ने पकड़ा भेड़ बकरियों से भरा हुआ ट्रक। मौके पर पुलिस ने ट्रक चालक व पशुओं के मालिक को किया गिरफ्तार। ले जाया जा रहा था दिल्ली से कश्मीर तक। नेशनल फर्टिलाइजर के नजदीक गांव नांगल खेड़ी में स्थित एक धागा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग में लाखों का माल जलकर हुआ खाक। एसपी शशांक कुमार सावन के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए थाना तहसील कैंप पुलिस की टीम ने भैंसवा चौक के पास किराए के कमरे में हुई शिव कुमार उर्फ सूरज की हत्या की वारदात का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को किया गया गिरफ्तार। जिले की एंटी नारकोटिक सेल पुलिस की टीम ने 4 किलो 500 ग्राम गांजा पत्ती सहित नशा तस्कर को गिरफ्तार कर आरोपी की निशानदेही पर नशा सप्लायर को भी काबू करने में हासिल की पुलिस ने सफलता। सनोली रोड पर अतिक्रमण की वजह से उत्पन्न हो रही जाम की समस्या से निजात पाने के लिए पानी पर ट्रैफिक पुलिस ने निगम व सनोली रोड के दुकानदारों के साथ एकमत होकर शिवचौक के पास लगवाई पीली पट्टी। पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने वार्ड नंबर 13 में कभी धर्मशाला का किया उद्घाटन। उत्तराखंड के जोशी मठ में मकानों में आई दरारों के कारण उत्पन्न हुई आपदा की स्थिति को देखते हुए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पानीपत के काला आम स्थित मराठा शौर्य स्मारक से राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए मिलेगी 80,000 रुपए की आर्थिक मदद, डीसी ने दी जानकारी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ नमस्कार। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskrit School, a better place, a better world. By Sanskrit School, sapno se behtar kal. By Sanskrit School, add colors to your learning. By Sanskrit School, your life will be shining.